तो और मेरे भाइयों, क्या हाल है? आई होप यार आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला गाइस बता दूँ कि लोकेश में सीजन टू, तो आखिरकार लोकेश में सीजन टू कहाँ है? आखिर इनके जो क्रिएटर्स है वो मतलब उनका ध्यान किधर है? अगर लोग जा रहे हैं सीजन टू तो पर वो लेके क्यों नहीं आ रहे, तो उसके बारे पर इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ। एंड दूसरा गाइस, डार्लिंग द फ्रैंक्स सीजन टू किधर है? ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बता दूँ कि जो भी लोग हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करो कि लोकेश में सीजन टू किधर है। तो गाइस जो जिसने भी जो मतलब जो इनके क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लोकेश में सीजन वन को बनाया है, हुआ क्या गाइस कि उनके पास जो एक न्यू स्टूडियो है तो उनके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो उन पर काम कर रहे हैं। बट मुझे नहीं पता यार कि अगर आपका एक कोई एनिमे सीरीज इतना फेमस, लोगों को जब सीजन टू चाहिए तो आप इतना लेट क्यों कर रहे हो सीजन टू को लाने में, जबकि और भी बहुत सारे जो स्टूडियोज होते हैं अगर वो देखते हैं कि अगर मेरा कोई भी एनिमे का फर्स्ट सीजन अगर अच्छा से चल रहा है तो वो सीजन टू को भी जल्दी अनाउंसमेंट करते हैं और साथ ही साथ अपडेट देते रहते हैं कि ये हमें इतने दिन तक में या फिर इतने या अगले साल में हमें देखने को मिल सकता है। बट जिन्होंने लोकेश में बनाया है जो स्टूडियो है उन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया। हाँ वो सोशल मीडिया में जो है लोकेश में से रिलेटेड थोड़ा बहुत फोटो डालते रहते हैं, बट सीजन टू का कोई भी अता पता नहीं है। तो गाइस एक एक्सपेक्टेड डेट है कि ये हमें 2024 में, तो कम ही चांस है 2025 में शायद हमें कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गया इसकी इनके पास और भी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उन पर भी काम कर रहे हैं। आई होप यार कि जो इनके क्रिएटर्स है वो थोड़ा इधर भी ध्यान दे, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा लुकिज्म है वो बहुत ही फेमस हो चुका है, नेटफ्लिक्स पे बहुत ही मोस्ट लाइक एनिमे सीरीज भी है। तो देखते हैं कि कब तक हमें ये देखने को मिलता है। एंड गाइस आपको जैसे पता है कि जब हिंदी पे आया तो ये इंडिया पे भी बहुत फेमस हो गया ये एनिमे सीरीज, ठीक है, तो लोग चाह रहे हैं कि इसका सीजन टू आए, बट इनके क्रिएटर्स अभी लाने का मतलब कोई भी मूड में नहीं लग रहे हैं मुझे। खैर अब बात करते हैं डार्लिंग द फ्रेंड्स के बारे में। तो जिसको पता नहीं है गाइस तो बता दूं कि डार्लिंग द फ्रेंड्स में अगर हम बात करें तो टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं। एंड बता दूं गाइस कि इसके टोटल जो 8 वॉल्यूम्स है तो वो सारे का जो एक एनिमे सीरीज है वो हमें सीजन वन में ही देखने को मिल गया है, मीन्स नो सीजन टू। ऐसे आप लोग निराश मत हो ना, पूरा बात सुन के जाओ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं एंड हमें कोई और नया सीजन देखने को नहीं मिल सकता है, तो इन्होंने किया क्या है कि या फिर इनके क्रिएटर्स को लगता ही है कि हमने जो सीजन वन की जो एंडिंग की है वो एक इनफ है, बहुत ही बढ़िया एंडिंग है। बट जिन्होंने सीजन वन देखा है यानी ऑडियंस, उन्हें जो सीजन की एंडिंग है वो इनकम्प्लीट लगी है, पूरी तरह से वो सेटिस्फाई नहीं है उस, तो वो चाह रहे हैं कि सीजन टू आए। बट सीजन टू अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है सीजन टू से रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनके जो क्रिएटर्स हैं उनको लगता है कि हमने सीजन वन में ही सारे जो दिखा दिए हैं, तो और उनके पास अब कोई स्टोरी बचा नहीं है यार कि वो आगे क्या दिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक छोटा सा लीक्स लेके ये आया है कि इसकी जैसा कि इसका पॉपुलैरिटी बहुत मतलब जैसे जैसे इसका पॉपुलैरिटी बढ़ा इस एनिमे सीरीज का, तो हमें चांसेस है कि हमें नेक्स्ट ईयर में इससे रिलेटेड कुछ जो है अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। खैर यही दो चीज़ अपडेट थे गाइस इस वीडियो पे, और मुझे पता नहीं यार कि फेस कैम अभी किस तरह से मुझे करना चाहिए ताकि आप लोगों को पसंद आए। जैसे जैसे गाइस टाइम बढ़ेगा तो धीरे धीरे मैं भी सीखता रहूँगा यार कि कैसे मुझे फेस कैम करना चाहिए ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो फिलहाल आज के वीडियो इतना ही रखते हैं गाइस। जो भी चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना। एंड तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय।